हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखेंगे कि इस तरह से अगर एक स्क्वायर हो हमारे पास और उसके अंदर में दो क्वार्टर सर्कल की आर्क बना दी गई हो और इस तरह से तीन सर्कल्स हो, इन तीनों सर्कल्स के रेडियस का स्क्वायर के साइड के साथ क्या रिलेशन होगा, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जब दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहे हो और हमें लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो, ठीक है, तो PQ की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां पे इन दोनों सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा इसको माना जाएगा d, यहां से यहां तक। और अगर बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आ रहा है तो छोटे सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकलेगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये जो डी है आप देखोगे कि ये भी कैपिटल आर है और ये भी स्मॉल आर है, तो इन दिस केस हम डी को डिनोट कर सकते हैं एज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां पर ये होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तुम्हारे पास होगा आर प्लस आर प्लस आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे स्मॉल आर कट गए हैं और यहां पे कैपिटल आर कट गया है, तो हमारे पास होगा 2R into 2R, that is 2R। ठीक है, तो यहां पर PQ की लेंथ होगी 2 into under root of capital R into small r, यानी कि 2 into the under root of product of the radii। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन में। एबीसीडी एक स्क्वायर है जहां पर हमने क्वार्टर सर्कल की दो आर्क्स बना दी है। स्क्वायर का साइड हम ले लेते हैं ए, एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। अब यहां पे एक छोटा सर्कल हम बना देते हैं जो जस्ट इसको टच कर रहा है, इस तरह से इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब आप एक चीज विजुलाइज करोगे कि अगर इसी आर्क को हम इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो यहां पे एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का ही एक पार्ट है ये वाली जो आर्क है, और सिमिलरली यहां पे भी एक सर्कल बन रहा होगा जिसकी पार्ट ये वाली आर्क है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो बड़े सर्कल्स का जो रेडियस है वो ए है, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो इन दो सर्कल्स का रेडियस है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट को हम कह दें ई और हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी डीई की लेंथ निकालनी हो, तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि ई जो होगा ना बिल्कुल इस साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईसी ये क्या होगा, टू रूट द प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई। बड़े सर्कल का रेडियस है ए और छोटे सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, तो ईसी की लेंथ होगी टू रूट
आर, ठीक है। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है और साइड लेंथ स्क्वायर की ए है तो ये डिस्टेंस ए बाई टू के बराबर भी होगा ये दोनों। तो हम कह सकते हैं सिंस डीई इज इक्वल टू ई सी, ए बाई टू इज इक्वल टू टू रूट ए आर, ये हम कह सकते हैं। E इसका मिड पॉइंट है इस साइड का और पूरा साइड लेंथ ए है तो हाफ ऑफ द साइड क्या होगा ए बाई टू। और लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूला से अभी हमने निकाला कि इसकी लेंथ 2 इनटू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई भी होगी, जहां बड़े सर्कल का रेडियस है ए और छोटे सर्कल का रेडियस है आर। अब इसे हम इक्वेट करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं आफ्टर स्क्वेरिंग बोथ साइड्स, आफ्टर स्क्वेरिंग बोथ साइड्स हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू फोर ए आर, यहां से ये स्क्वायर कटेगा ए कट जाएगा तो ए बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू स्मॉल आर। यानी कि हम ये रिजल्ट डिराइव कर पाए कि इस छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा स्क्वायर के साइड का 1/16th पार्ट होगा, ठीक है। छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा स्क्वायर के साइड का 1/16th पार्ट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में पूछे जा सकते हैं और मेंशनेशन में पूछे जा सकते हैं कि आपको एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का या इस सर्कल से रिलेटेड कुछ और फाइंड करना है या फिर आपको किसी शेडेड एरिया फाइंड करना होगा शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं टाइप टू, ठीक है। यहां पे भी वही हमें गिवन है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, यहां पे एक सर्कल है ठीक है, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है ठीक है। सर्कल का ये सेंटर होगा और ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ये हम जानते हैं, तो हम इस रेडियस को मार्क करते हैं एज कैपिटल आर और यहां पर 90 डिग्रीज बनेगा। अब अगर इस पॉइंट को हम कहें ओ और इस पॉइंट को हम कह दें ई, तो डीएफ का डिस्टेंस जो होगा वो ए के बराबर होगा क्योंकि यही रेडियस है जिसको लेके आर्क बनाई गई है, इसी रेडियस को लेके आर्क बनाई गई है तो ये ए के बराबर ही होगा। डीएफ इज इक्वल टू ए, आप समझ लो यही साइड है जिसको लेकर आर्क बनाई गई है ठीक है। ओ एफ इज इक्वल टू आर, ओ एफ क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल होगा ठीक है। तो डीओ क्या होगा, डीओ क्या होगा डी एफ माइनस ओ एफ, यानी कि डीओ को हम कह सकते हैं ए माइनस आर ठीक है, डीओ को हम कह सकते हैं ए माइनस आर। और ये जो डीई होगा ये हाफ ऑफ द साइड होगा, ये साइड का हाफ होगा तो ये हो जाएगा ए बाई टू। अब आप देखोगे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये है ए बाई टू, ये है आर और ये लेंथ है ए माइनस आर ठीक है, ये लेंथ है ए माइनस आर यहां से यहां तक। अब इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालते हैं ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ए माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए बाई टू स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये उधर चला जाएगा टू ए आर। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए आर, ये आएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू टू ए आर।
यहां से ए और ये वाला ए कैंसिल होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3/8 इज इक्वल टू आर, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 3/8a इज इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हो कि हमें ये रिजल्ट मिला है कि यहां पे जो सर्कल होगा उसका रेडियस सर्कल के साइड का 3/8 टाइम्स होगा। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं सर्कल का रेडियस 3/8 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप। ठीक है, यहां पे एक सर्कल है और साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक है, इस सर्कल के रेडियस को हम मानते हैं आर। ठीक है, और इसका सेंटर को हम मान लेते हैं ओ। अब हम ज्वाइन करते हैं इस लाइन को इस तरह से। हमने क्या किया है, हमने ए को ओ के साथ ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट तक। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप हमें बताओ कि लेंथ ऑफ बीएफ विल बी इक्वल टू ए, बिकॉज जैसा हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था कि ये साइड ऑफ द स्क्वायर ही है जो कि रेडियस है, उसी की आर्क बनी हुई है ये। ठीक है, तो ये बीएफ जो होगा लेंथ ऑफ द आर्क होगा, सॉरी लेंथ ऑफ द साइड होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट ओ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, अब आप देखो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या रेडियस के बराबर होगा, होगा राइट। सिमिलरली ये फिगर एक रेक्टेंगल बन गया है तो एजी भी जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस साइड ऑफ द स्क्वायर था जिसमें से ये आर है तो ये ए माइनस आर होगा राइट। और ये वाला जो होगा ओ ए, ये ओ है। ठीक है, ओ ए जो होगा आप देख सकते हो कि ए ई जो है वो साइड ऑफ द स्क्वायर है, उसी रेडियस की आर्क है। ठीक है, और ओ ई जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो AO को हम कह सकते हैं कि ये साइड माइनस द रेडियस है, यहां से यहां तक साइड ऑफ द स्क्वायर है, इसमें से अगर हमने रेडियस घटा दिया तो AO हमारे पास बचेगा A माइनस आर राइट। अब इन वैल्यूज को लेके ये जो डायग्राम है मैं अलग से बना के आपको दिखा देता हूं। A, G, B, O, ये रेडियस के बराबर है R, अभी हमने देखा था। ये डिस्टेंस होगा A माइनस R, ये डिस्टेंस होगा A प्लस R, और ये डिस्टेंस भी होगा A माइनस R। इसको हम X मानते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से हम X की वैल्यू निकालेंगे। इस छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से x की वैल्यू आएगी a माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां से ये x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी a प्लस आर होल स्क्वायर माइनस a माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही x स्क्वायर की वैल्यू है इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं।
ठीक है, इन्हें हम इक्वेट करके लिखते हैं, a माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आर होल स्क्वायर माइनस a माइनस आर होल स्क्वायर। अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये होगा ए प्लस बी, यानी के और यहां से आएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होंगे, यहां से आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए आर, और यहां से ये r कटेंगे तो यहां पर आएगा 2a, और यहां से a कैंसिल होगा तो यहां पर आएगा 2r। इन दोनों में से अगर हम a कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा a माइनस टू ए, सॉरी a माइनस टू आर, और यहां से आएंगे 4ar, ये और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, a और a यहां से कैंसिल होंगे, हमारे पास बचेगा a माइनस टू आर इज इक्वल टू फोर आर, ए इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स आर एंड a बाय सिक्स इज इक्वल टू आर। तो हमें यह पता लग गया कि यहां पर जो सर्कल बन रहा है इसका जो रेडियस होगा 1/6 द साइड ऑफ द स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये रिजल्ट डिराइव किया कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/6 द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और एसएससी के मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।